पन्ना जिले के बुंदेलखंड अंचल में शादी के नाम पर लोगों को ठगने और लुटेरी दुल्हनों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ताजा मामला दमोह जिले के हटा में सामने आया है, जहां संगठित गिरोह जिन कुंवारों युवकों की शादी नहीं होती थी उन्हें अपने जाल में फंसाकर करीब 1.5 लाख रुपए में शादी का सौदा करते और 7 फेरों के बाद कथित दुल्हन मौका पाकर जेवरात और नकदी लेकर रफू चक्कर हो जाती। प्राप्त जानकारी के अनुसार हटा थाना पुलिस ने एक ऐसी ही लुटेरी दुल्हन गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक महिला सहित 3 सदस्य गिरफ्तार किए हैं, जबकि 2 आरोपियों की तलाश जारी है। हटा SDOP नितेश पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा करते हुए बताया कि मनोज नेमा हटा द्वारा शादी के नाम पर ठगी की शिकायत के बाद परिवर्तित नाम रेखा तिवारी, सही नाम उमा लोधी द्वारा अपने गिरोह के साथ मिलकर विवाह किया गया। फर्जी दस्तावेज आधार कार्ड तैयार किए गए। उमा लोधी विवाह के अगले दिन ही भाई के एक्सीडेंट की मौत हो जाने का बहाना बनाकर घर जाने लगी। मर्यादा की शिकायत पर पुलिस को जांच में संदेह होने पर एक टीम गठित कर गिरोह की पतासाजी करते हुए जबलपुर सागर और बंडा से 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि लुटेरी दुल्हन गैंग ने इसके पूर्व में कुम्हारी थाना क्षेत्र के सगौनी में और बटियाघाट के मगरोन में 2 युवकों को अपना शिकार बनाया है। एक गिरोह सदस्य द्वारा कई अन्य खुलासे भी हो सकते हैं। वहीं पुलिस द्वारा आरोपियों को पेश कर पुलिस रिमांड ली जा सकती है और इस पूरे गिरोह से और काफी कुछ पूछताछ की जा सकती है, जिसमें कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। PBC के लिए पन्ना से अजय विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मैंने मेरे भाई की शादी नहीं हो रही थी तो हमने रिश्तेदारों से सबसे कहा कि मेरी भाई की शादी नहीं हो रही है, कहीं और लड़की हो तो बताना। तो हमारे एक रिश्तेदार हैं तेंदुखेड़ा में, राम गोपाल जी नेमा, तो उनके यहाँ एक दूध देने आता है, तो उनने उनका नंबर दे दिया और उससे हमने संपर्क किया और उनने हमें एक दीनदयाल पांडे है चनगुआ के, उनसे बात कराई और उसने हमें लड़की देखने के लिए बुलाया मोहित सोनी जबलपुर। उससे हमने दोनों बात मिलकर बात की, उसने बोला एक शर्त रखी कि शादी करोगे तो एक ही दिन में होगी और जल्दी होगी और ये सब बातें हुई हमारी। और उसके बाद घर पर शादी हुई और घर पर लेके आए, फिर उसने बताया कि हमारा भाई का एक्सीडेंट हो गया है गड़ाकूटा के पास और भाई ख़त्म भी हो गया है और हमें घर जाना है। तो मेरे भाई ने कहा कि ठीक है हम लेके चलेंगे घर पे तुम्हारे लिए। तो अपन ने बोला एक वीडियो कॉल करो या फोटो मंगवाओ उसकी सब की या कुछ भी, तो उन्हें भेजी नहीं है, बस इतना ही हुआ। फिर क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि फिर हमने यहाँ थाने में आके रिपोर्ट की और ये सब किया, वो कुछ नहीं है। दीनदयाल पांडे जी हैं, दमो गए थे कोर्ट में गए थे सीधे दमो में डायरेक्ट कोर्ट में। मात्र शिकायतें और यहाँ वहाँ से कॉल लगवाए जा रहे थे। नहीं लेकिन सर देखिए फरियादी को पुलिस आरोपी क्यों माना? नहीं फरियादी को आरोपी नहीं माना है, क्योंकि क्योंकि जो अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।